सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही रीसेंट है। अभी अभी जस्ट न्यूज आई है कि फेसबुक ने अपने आप को रीब्रांड किया है। यस, आप उनका नया नाम है मेटा, वो अपने आपको मेटा बुलाने वाले हैं या फिर वो अपना डोमेन नेम चेंज करने वाले हैं, क्या फेसबुक के लुक्स चेंज हो जाने वाले हैं, क्या फेसबुक का लोगो चेंज होने वाला है। सो आज इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। न्यूज आई है जस्ट 4 घंटे की पहले, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं यहाँ पे। सो 12 बजे करीब न्यूज आई है कि फेसबुक ने अपने आप को मेटावर्स के नाम से अनाउंस कर दिया है। मेटा सोशल टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है। तो फेसबुक को क्यों जरूरत पड़ी अपने आप को रीब्रांड करने के लिए, आपको क्या लगता है? तो मैं इसी रात के 12 बजे थोड़ी देर पहले ही कुछ न्यूज पढ़ रहा था कि फेसबुक के अंदर एक विसल ब्लोअर ने बहुत ही संगीन आरोप लगाया, लाइक फेसबुक हेट स्पीच को प्रमोट करता है, बच्चों के लिए फेसबुक सेफ नहीं है। तो एक विसल ब्लोअर ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लीक किए हैं ऑनलाइन न्यूज एडिटर्स को रिव्यू करने के लिए कि ये फेसबुक हेट स्पीच एंड जो ये रायट्स हो रहे हैं इनमें कैसे हेल्प करता है इन ग्रुप्स की। सो फर्स्ट ये न्यूज़ आई, देन थोड़ी देर बाद देखा जाए तो एक दिन पहले से न्यूज़ चल रही है, ठीक है। तो एक दिन बाद ये फेसबुक क्या अपने आप को रीब्रांड कर लेता है, ये क्या ये प्लानिंग पहले चल रही है, क्या लगता है आपको? प्लीज़ कमेंट में बताओ। अगर पहले से चल रही है तो इट्स फाइन, बट क्या ये एक रीज़न हो सकता है फेसबुक पेपर्स के रिलेशन में? सो ये तो था चलो कि रीब्रांड कब किया एंड क्या रखा है। तो उन्होंने अपना नाम रखा है मेटा एंड मेटावर्स के नाम से इसको अनाउंस भी कर रहे हैं। तो मैंने फेसबुक खोल के देखा, फेसबुक में तो अभी तक कोई चेंज नहीं आ रहा है, डोमेन नेम भी वही है, नॉर्मल फंक्शनैलिटीज जो फेसबुक की है वही है। तो थोड़े केस का बताते हैं। फेसबुक पेपर्स नाम का केस लीक हुआ है जिसमें एक विसल ब्लोअर जिनका नाम है फ्रांसिस होगिन, उन्होंने बहुत सारे पेपर्स लीक किए हैं। इसमें एलिगेशंस लगाए हैं कि फेसबुक हेट स्पीच को प्रमोट करता है, फेसबुक इट्स नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रन, फेसबुक का एल्गोरिदम की वजह से डिफरेंट कंट्रीज में राइट्स होते हैं। सो ये बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं, अगर आप देखना चाहें तो ये बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे एंड बहुत पहले से ही न्यूज़ चल रही है। तो देन मैंने सर्च किया मेटा के बारे में। सो मेटा के नाम से ये कंपनी अब खुल चुकी है, जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी थी उसका नाम चेंज किया जा रहा है यहाँ पे, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप इन सब का नहीं। अभी तक तो ये भी नहीं पता मुझे कि फेसबुक का नाम चेंज हो रहा है कि नहीं, बट हाँ फेसबुक का जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम ज़रूर मेटा चेंज हो रहा है। तो उसका लोगो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ऐसा कुछ इसका लोगो है, आप देख सकते हैं इन्फिनिटी काइंड ऑफ लोगो है, बहुत सिमिलर है इन्फिनिटी से, ठीक है। एंड मार्क ज़करबर्ग ने दिया था ये रात के एग्जैक्ट 12 बजे, इंडिया में तो इतने ही हो रहे थे 12:30 जब ये न्यूज़ आई थी। एंड देन उसके बाद आपको ये मेटा के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। सो मेटा के बारे में जानते हैं, तो डोमेन नेम तो मैंने देखा, अगर मैं इसे meta.com सर्च करता हूँ तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देता है about.facebook.meta के लिए। तो मतलब फेसबुक ने डोमेन ले लिया है जस्ट अभी शायद। देखो फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी है बट फिर भी इन्होंने एक लैंडिंग पेज बना लेते मेटा के नाम से, लेकिन मेटा के नाम से meta.com एक लैंडिंग पेज होता है एटलीस्ट, बट नहीं, उनको अपने फेसबुक डोमेन को ही यूज़ करना पड़ा ये डिज़ाइन रेडी करने के लिए। आई थिंक ये जल्दबाजी का ही काम है। अगर आप देखो एक सिंपल सा लैंडिंग पेज है जिसमें वर्चुअल रियलिटी ओके स्मार्ट ग्लासेस ब्ला 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 ओके जो फेसबुक की चीज़ें बेसिकली वो मेटा के नाम से आई थिंक हो जा रही है। ये देखिए गाइस, अगर आपने ये एनिमेशन अभी देखा तो शायद हमें आइडिया लग जाना चाहिए कि मेटा बेसिकली है क्या। देखो गाइस मैं नीचे आता हूँ, वंस अगेन इट्स लोडिंग। सो यस, तो यहाँ पे गाइस देख रहे हैं, यहाँ पे जो सारे ब्रांड्स हैं फेसबुक के ये देखिए सब बन के मेटा बन गए। अब इसका मतलब क्या है कि सबका नाम चेंज हो रहा है? आई डोंट नो, अभी अभी जस्ट न्यूज़ आई है, डोमेन नेम भी रेडी नहीं है, क्या फेसबुक का डोमेन नेम चेंज होने वाला है? नहीं, मुझे नहीं पता। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब बहुत सारा क्रेज़ है अभी मार्केट में, लाइक कि क्या हुआ एकदम से, ये कैसे सारे चेंजेस आ गए। मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी रात के, जस्ट मैंने ऐसी नॉर्मल सर्फिंग करा था एंड आई सॉ अ पोस्ट कि फेसबुक ने अपना नेम चेंज कर लिया। व्हाट द हेल, हाउ? सो देन मैं थोड़ा रिसर्च किया, देन मुझे पता चला कि ओके फेसबुक पेपर्स का भी कॉन्स्पिरेसी चल रही है काफ़ी, देन सडनली ये आता है हमारे पास।
तो क्या क्या है वर्ड भी बिल्ड में अगर देखें तो ओके, तो जो भी अब तक इन्होंने बिल्ड किया है सब इनको इन्होंने डाल दिया मेटा में। देन एक्शंस में जाएं, ओके आई थिंक प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शंस, आई थिंक इसमें बहुत बड़ा रोल होगा, जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है उससे इससे रिलेटेड बहुत बड़ा रोल होने वाला है। यस सो इतना ही है अभी तो इस वीडियो में, क्या इस इंटरनेट पे ही मेटा के बारे में इतना ही है, ज़्यादा कुछ तो नहीं है। मेटा डॉट ऑर्ग अगर देखो तो ओके, अ चैन जकरबर्ग इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, ओके कुछ नया है ये, चैन जकरबर्ग ये कौन है, मेटा डॉट ऑर्ग, ओके ओ माय गॉड गाइस, अगर आप देखो तो मेटा थोड़ा बहुत कुछ लग रहा है सोशल मीडिया की तरह लग रहा है ना, प्लीज इधर चैन जकरबर्ग इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, ओके डिस्कवरी टूल, बट आई थिंक मेटा डॉट कॉम है, कुछ तो होगा डोमेन नेम, इतना सोच के तो फेसबुक ने किया ही होगा कि क्या है। तो रीब्रांडिंग है, रीब्रांडिंग में सिर्फ नाम और लोगो ही चेंज नहीं होता, टैक्टिक्स यू नो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज देन पॉलिसीज बहुत सारी चीज चेंज होती है, तो वो तो धीरे धीरे पता चलेगा। अभी जस्ट अनाउंस किया है मार्क जकरबर्ग ने, सो लेट्स सी कि क्या आता है एंड क्या नहीं। तो आपको क्या लगता है गाइज, प्लीज अपने कमेंट्स में बताना कि क्या हो रहा है एंड क्या होगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।